जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता वो बाद में आंसू बहाता है, जो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता है वो जिंदगी भर रोता रह जाता है, और जो खुद को बदल कर मेहनत करता है वो सबसे आगे निकल जाता है। तुम अकेले नहीं हो जो दिन रात सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसे एक बार नहीं बल्कि कई बार असफलता की ठोकर लगी हो। तुम अकेले नहीं हो जो यह सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, रेस में हिस्सा लेने वाला हर इंसान दौड़ता है, हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर जीतना चाहता है, लेकिन जीत सिर्फ किसी एक की होती है, क्योंकि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। हो सकता है कि लोग तुम्हें पागल कहकर बुलाने लगें, तो समझ जाना कि तुमने सफलता के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, और अपने पागलपन पर विश्वास रखना, एक दिन यह तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, परवाह मत करो जो आज देते हैं ताने, वह आएंगे कल तुझसे हाथ मिलाने। दोस्तों, माना कि रास्ता कठिन है और आपको अधिक परेशानी और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या बस यही सोच सोच कर दुखी होते रहोगे, या अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करके अपने ऊपर ध्यान दोगे? ये बात याद रखना, इस संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। जिंदगी में सफलता सिर्फ बड़े बड़े विचारों से नहीं, बल्कि उन विचारों पर अमल करने से मिलती है। जब विचारों पर अमल करते हैं तो रास्ते में परेशानियां भी आती हैं। अगर सारी परिस्थितियां अच्छी होने का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर दूसरों को सफल होते देखते रह जाओगे, और जब कोई दूसरा कुछ बड़ा कर जाएगा तो सोचोगे कि काश मैंने यह कर लिया होता। दोस्तों, आपके और आपकी सफलता के बीच में तीन बहुत बड़ी दीवारें हैं, जिसमें सबसे पहली दीवार है लोग क्या कहेंगे। अरे, लोग कुछ भी कहें, अगर तुम कोशिश करोगे तो कम से कम लोग यह तो सोचेंगे कि तुमने कोशिश की थी। अगर बिना कोशिश किए बस लोगों के बारे में सोचकर तुमने यह मौका हाथ से जाने दिया तो भी तो लोग तुम्हें बेवकूफ ही कहेंगे। दूसरी दीवार का नाम है मुझसे नहीं होगा। अरे, तुम्हारी तरह एक आम इंसान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, तो क्या तुम अपना एक सपना पूरा नहीं कर सकते? अगर मन में यह विचार आता है कि मुझसे नहीं होगा, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना जरूर कि ऐसी क्या कमी है जो तुमसे नहीं होगा। जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। और तीसरी दीवार का नाम है मेरी किस्मत खराब है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो जरा एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जो चलना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैर नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास आंखें नहीं है, जो बच्चा स्कूल जाना चाहता है पर उसके घर में दो वक्त का खाना नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खराब ना हो और जिसे सही किया ना जा सके। तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, और अगर जिंदगी भर यही सोचकर बैठे रहोगे कि किस्मत खराब है, तो यकीन मानो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को उखाड़ फेंको, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे के बारे में सोचने का समय ही ना हो, और इतनी मेहनत करो कि कल ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मेरी किस्मत कुछ और ही होती। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी, जो कल तक तेरे साथ ना थी वो दुनिया तेरे पीछे घूमेगी। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए, और अपने आप को भी एक बार याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए, और अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।